बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मुझे एक मैसेज आया और वॉइस मैसेज में वो भाई हैं, शायद रावलपिंडी से, पेशावर साइड से हैं। वॉइस मैसेज उन्होंने किया हुआ है, पठान है। उन्होंने कहा जी ये बताएं कि मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ब्लू वर्ल्ड सिटी में, इन दोनों में सोसाइटी कौन सी अच्छी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, इस वक्त रावलपिंडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जमीन भी इनके पास है, काम भी इन्हीं का दोनों का हो रहा है, और अगर देखा जाए तो वैसे भी मंजरे आम पर भी सबसे ज्यादा यही दो सोसाइटी चल रही है। उसके बाद फिर अब एक नई सोसाइटी आ गई किंगडम वैली, जिसका नाम क्या है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैं आपको बता दूंगी, एनओसी है, रेट जो इनके ब्लू वर्ल्ड सिटी से थोड़ा ज्यादा है, काम ठीक ठाक कर रहे हैं। इसके अलावा एक लेबल लग चुका है, बहुत बड़ा नाम है जो कि इस सोसाइटी को रन कर रहा है, जिस वजह से इस सोसाइटी में लोग ज्यादा इत्माद कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी बैलेटिंग इंशाल्लाह करने जा रहे हैं कुछ दिनों तक, और इसके अलावा बहुत बड़ी ऑफर इन्होंने दे दी है कि जिसने भी आज से जब से सोसाइटी शुरू हुई है वहां से लेके ये 30 अक्टूबर तक या 15 दिसंबर तक जिसने भी इस सोसाइटी में बुकिंग करवाई हुई है वो अपनी आधी पेमेंट कंप्लीट कर ले, आधी हाफ पेमेंट, उसके बाद बाकी देते रहे, आधी पेमेंट कंप्लीट करें, उसका नाम बैलेटिंग में आ जाएगा, और जिस ब्लॉक की आपने बुकिंग करवाई है उस ब्लॉक में आपको प्लाट दे दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी एक बैलेटिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों तक। इसके लिए इसके बाद बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी एनओसी नहीं है लेकिन बैलेटिंग इतनी कर दी है, लोगों को प्लाट दे दिए, देने से मुराद यानी कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उनकी फाइल्स पर उनके प्लाट नंबर लिख दिए गए हैं, उनकी पेमेंट अगर हाफ हुई है तो हाफ वालों को भी दे दी, या जिसने कुछ ऐसी भी ऑफर इन्होंने दी थी, कुछ लोगों ने जो ही बुकिंग करवाई है उसी वक्त बैलेटिंग भी मैंने भी नाम उनका आ गया, तो उनको भी प्लाट नंबर दे दिया गया है, इशू कर दिया गया। बैलेटिंग पे बैलेटिंग तकरीबन 5-7 दिनों में बैलेटिंग कर दी है, जनरल ब्लॉक की, ओवरसीज ब्लॉक की, अवामी ब्लॉक की, फिर करने जा रहे हैं कुछ दिनों तक। और आ जाए बात रेट पर, रेट ब्लू वर्ल्ड सिटी के बहुत कम है कैपिटल स्मार्ट सिटी की निस्बत। कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो रेट हैं उनमें लैंड चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस दोनों शामिल हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो रेट्स हैं इनमें जो आपसे ले रहे हैं वो लैंड चार्जेस ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस नेक्स्ट जब आप इस पर डेवलपमेंट शुरू करेंगे, जब आपकी इंस्टॉलमेंट कम्प्लीट हो जाएंगी, जब आप आएंगे इस पर कुछ बनाना शुरू करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस तब लिए जाएंगे, या जिस वक्त आप अपने नाम पे ये रजिस्ट्री करवाने लगेंगे डेवलपमेंट चार्जेस उस वक्त लिए जाएंगे, और वो भी ठीक ठाक होते हैं। इस वक्त रावलपिंडी में शायद एक मरले के पीछे 1 लाख चल रहा है, इस चक्री रोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह सोसाइटी दोनों करीब करीब ही हैं, जस्ट फर्क क्या है मैं मेरी नज़र में एनओसी का, एनओसी नहीं है जिस वजह से थोड़ा सा ये पीछे, नहीं तो काम इनका भी ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। ये थी कि दोनों की कुछ थोड़ी सी दोनों में फर्क क्या, इसमें क्या और उसमें क्या। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों में, किसी में भी आप इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करें, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट में ये बरकत डालेगा, अल्लाह खैर करेगा। मुझे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप सबको खुश रखें, दुआ में याद रखें, अगर आप सबके रिस्क रोजी में अजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।